दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, आज गुरु को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। गुरु कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंदर में ऐसा भाव हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो सिर्फ भगवान है। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, लक्ष्मी है, सब है। पहले अंदर तो हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरा आपसे प्रेम हो, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आपके लिए तड़प हो, व्याकुलता हो, आपके लिए रोना है, हर समय मेरा भजन होता रहे, आपका नाम चलता रहे, आपका नाम चेतन है। जब चेतन का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर भी जड़ता समाप्त होती है और हमारा प्रेम आपसे बढ़ता जाता है। हमारे अंदर सिर्फ प्रेम 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 ही रह जाए। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वम रूप है, सब भगवान आपका रूप है, सब कुछ आप बन गए हो, सब आप हो, आप ही मेरी प्रियतम, आप ही मेरे प्राणनाथ, आप ही मेरे हृदय, आप ही मेरे श्वासों के स्वामी, आप ही मेरे श्वास दिल की धड़कन है, सब कुछ आप प्रभु, सब कुछ आप। मेरा मन कभी कभी चला जाता है अपने वालों में, पर जहाँ से भी मन जाता है वहाँ से दुखी मिलता है। क्योंकि जिससे भी हम संबंध बनाते हैं, संबंध जब दुख देने वाला बंधन, तो भगवान कहते हैं पुरानी जो संबंध है वो तो ठीक है, नया संबंध किसी से मत बनाना। पहले ही संबंध नहीं छूटते तो नया संबंध बना के क्या करोगे। हे नाथ, हे नाथ, आप हर पल मेरे अंतिम समय की तैयारी कराते रहो। किसी दिन भी ये शरीर छूटेगा, किसी दिन भी अंतिम समय आएगा, क्या मैं तैयार हूँ? क्या आप मुझे याद रहेंगे? क्योंकि हमारे गुरु बता रहे हैं कि जो जीवन भर अभ्यास किया होगा, वो जीवन भर जिसे सत माना होगा, वही अंत में याद आएगा। तो जीवन भर हमने किसको सत माना? अपनी इस मैं को, अपने शरीर को, अपने वालों को, या भगवान को? जैसे कुंती माँ ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी अपने पुत्रों में बहुत आसक्ति है, हे कृष्ण मेरी वो आसक्ति निकाल कर तुम अपने में कर लो, मेरी किसी में आसक्ति ना, मुझे ये पक्का हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ
ठाकुर जी मेरे और कोई मेरा नहीं है। और ये सच्ची और पक्की बात है। हमारा मन बार बार चला जाता है, पर जो लोग संसार को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, वो भाग्यशाली है कि संसार में कोई अपना नहीं है, सब अपना अपना भाग लेके आए। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है हम सिर्फ सेवा कर दें, वो भी जितनी हो सके। सबसे पहले अपना अभ्यास, भगवत स्मरण, अपना भजन, फिर जितना हो जाए, जितनी सेवा हो जाए उतनी कर दीजिए। बाकी संसार में सत्य सिर्फ श्री हरि है, उनके अलावा कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं। कितना भी हमने मन लगाया, कितना भी जगत में प्रीत करी, आखिर अंत को याद करिए, क्या जाएगा साथ, क्या जाएगा? पैसा, घर, परिवार, कौन जाएगा? सिर्फ हमारा भगवान से प्रेम, जो पल हमने उनकी याद में बिताए होंगे, उन सपने पल में बिताए होंगे, जो हमारा उनसे प्रेम होगा, जो आपने सेवा करी होगी, वो भी किसकी? सबके हित के लिए। जो आपने सेवा मोह से करी होगी उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मोह से करी सेवा का कोई पुण्य नहीं है। जो सेवा आपने भगवान से अपनेपन से करी है, ये सब भगवान है, सब भगवान बन गए हैं। भगवान आपकी सेवा हो रही है, प्रभु आप हैं सब रूपों में, आपकी सेवा। तो बार बार गुरु कहते हैं, बार बार पक्का करिए, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, सब कर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। यहाँ मेरा कुछ नहीं, आप हाथ रख के कह दीजिए कि ये मेरा है, हाथ रख के कह दीजिए ये मेरा है, ये सदा मेरे साथ रहेगा। रह सकते हैं? ये शरीर पे भी आप हाथ रख के नहीं कह सकते कि ये मेरा है, ये भी छूटने वाला है। और हमारे गुरु दादा भगवान कहते हैं कि मनुष्य माने एकदम ही, एक सांस आई एक नहीं आई, खेल खत्म। इस शरीर को हम कितना सजाते हैं, कितना हमारा ध्यान कपड़ों पे होता है, अपने शरीर पर होता है, पर एक दिन इसका अंत, राख का ढेर है। तो जो इसमें शक्ति है, जो चेतन है, जो परमात्मा तत्व है, जो एनर्जी है, जो सत्य है, गुरु बार बार हमारी दृष्टि उधर करते, और उधर हम करते ही नहीं अपनी दृष्टि, फिर हमारी दृष्टि संसार में चली जाती है। भगवान के लिए कहा क्षण क्षण भूलनहार, आत्मा के लिए भी कहा क्षण क्षण भूलनहार। आप सुबह उठे 4 बजे 5 बजे, आपका भाव बना, बहुत अच्छा भजन हुआ, मेडिटेशन हुई, बहुत अच्छा भाव बना, फिर
फिर थोड़ी देर में फिर भूल गए। तो गुरु ने कहा कि स्मरण क्या है, अभ्यास क्या है। सुबह उठने से और रात के सोने तक, और जब गुरु ने बताया तब से लेकर जीवन के अंत तक सतत स्मरण बना रहे, अंदर से पक्का हो जाए कि मैं भगवान का हूँ। माँ भूलती नहीं है, माँ कभी नहीं भूलती कि मेरा बेटा है। कभी भूलती है माँ मेरा बेटा है। ऐसे ही जितना भी अपनापन बेटे से है, उतना अपनापन भगवान से हो जाए कि भगवान मेरे हैं और भगवान ही मेरे हैं। भगवान मेरे हैं नहीं, भगवान ही मेरे हैं। एक दिन ये शरीर छूटेगा तो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फूंक आएगा। तो ये जो हम आसक्ति मोह करते हैं, ये सब हमारा अज्ञान है। गुरु कहते हैं सेवा कर दो, पर अपनापन मत करो। अपनापन केवल भगवान से, सिर्फ ठाकुर जी मेरे हैं। इस संसार में बाल बराबर चीज भी हमारी नहीं है, और तीनों लोकों के स्वामी जिनके एक एक अंग में, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो त्रिलोकी नाथ वो पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे, और हम इतने नालायक, नालायक, हम इतने नालायक हैं कि उनसे प्रेम ना करके हम जगत से प्रीत करते हैं। हमारा जैसा नालायक कोई नहीं है कि जो तीनों लोकों के स्वामी हमारे हैं। और भगवान ने हमें बनाया, कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान बहुत चाहते हैं कि जीव मुझसे प्रेम करे, मेरे पास वापस आए, वो मेरा है। वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, पर हमारा मन बार बार माया में चला जाता है, बार बार माया में भरमा जाता है। क्यों, अपने से पूछें क्यों क्यों क्यों, वाई वाई वाई, क्यों नहीं मेरा मन भगवान में लगता, क्यों नहीं मुझे अच्छे लगते, क्यों नहीं वो प्यारे लगते, क्यों नहीं वो ही अपने लगते। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे हृदय के स्वामी, हे मेरे श्वासों के स्वामी, हे मेरे दिल की धड़कने, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना बिसारूं। कम से कम हम कहें तो, प्रार्थना तो करें, उनसे बातचीत तो करें। हम भूल जाते हैं तो उनसे बार बार पुकार तो करें कि नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे अच्छे लगें, आप प्यारे लगें, सब रूप में आपका दर्शन हो, सब रूप में आप दिखे। जित देखो तित तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गुरु ने बताया जैसे सूत की मणियों में सूत ही सूत है, जैसे बर्फ में जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा ओतप्रोत है।
उनसे अन्यत्र और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ वही बन गए, सब कुछ। भगवान ने कहा जर्रे सर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, जर्रे जर्रे में उनकी झांकी है, सब रूप में वो है। हे नाथ, मेरा किसी से भी राग द्वेष ना, किसी से भी, सब जगह मुझे आप ही नजर आए, मेरा सबके लिए प्रेम। दादा भगवान ने कहा When blessings go forth from your heart for everyone, for the whole creation, then love begins. जब आपके दिल में सिर्फ प्रेम ही प्रेम और आशीर्वाद ही आशीर्वाद रह जाए, तब प्रेम की शुरुआत होती है। हे भगवान, हे नाथ, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए भी मेरे मन में किसी के लिए गलत भावना है, यही भाव रहे। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना स्वभाव है। हे नाथ, सब रूप में आप, सब आप लीला कर रहे हो, हर रूप में आप लीला कर रहे हो, सब आप हो प्रभु। ये मन तो हमें बहुत कहता है ये कर लो वो कर लो, ये चाहिए वो चाहिए, पर अपने मन को बताइए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस जो सेवा है, जो कर्तव्य मिला है, उसको अच्छे से करिए। जो अपना कर्तव्य अच्छे से कर लेता है, उसको मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक भरपूरता होती है कि जो सेवा मेरे सामने आई थी वो हो गई, अब मेरा जीवन, अब मेरा समय प्रभु के लिए। और सेवा होते समय भी बस यही पक्का रहे, प्रभु सब आपके लिए हो रहा है, सब आपका है, सब आपका है प्रभु जी, सब आपका है। हर क्षण हर पल उम्र मेरी कम होती जा रही है, मेरी मतलब इस शरीर की बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। समय भाग रहा है भगवान जी, भाग रहा है। कौन सा पल अंतिम पल हो क्या पता, क्या मैं तैयार हूं? प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड, इतना हमें पक्का होना चाहिए कि कोई भी पल अंतिम पल हो, मुझे भगवान आप याद रहेंगे। ये भी आपकी कृपा है, भगवान आपकी कृपा होगी तो याद रहेंगे, पर अपनी तरफ से तो कोशिश करें। हे नाथ, प्रार्थना करते रहें, पुकारते रहें, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। जब जब याद आए हृदय से पुकार करिए, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। जैसे किसी को चोर डाकू लूटते हो तो कैसे पुकारता है, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे हम पुकारें, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं आपको भूलूँ नहीं। बस आप याद रहें, आप याद हैं तो सब आबाद है, और आप भूल गए तो सब कुछ गया, सब कुछ गया। आप ही जीवन है, आप ही जीवन धारा है, आप ही सर्वेश्वर है, आप ही सब कुछ है। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ नहीं। कितना भी सुख भोगा, कितना भी खाया, कितना भी पिया,
कितना भी घूमे, एक दुख सब सुखों को बेकार कर देता है। पर जो हमने प्रभु का स्मरण किया, जो भगवान को याद किया, जो उनसे प्रेम किया, जो उनसे अपनापन किया, जो उनके साथ बैठे, जो उनसे बातचीत करी, वो एक एक पल हमारे काम आता है। तो ये समय हमें मिला है, इतना सुंदर समय, सब कुछ है यहाँ पर। हम अपना अभ्यास करें, भगवान से अपनापन करें, उन्हें याद करें, उनका शुक्राना माने, गुरु का करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों शुक्राना माने कि उन्होंने हमारा संबंध भगवान से करा दिया, उन्होंने हमारा अपनापन भगवान से करा दिया, उन्होंने हमें सच बता दिया। कोई सच नहीं बताता, माता पिता भी नहीं बताते, कोई सच नहीं बताता। गुरु इतने उदार है, इतने प्रेमी है, उन्होंने हमें सत बताया, सत में टिका रहे हैं। अब पुरुषार्थ हमारा है कि हे नाथ, हे प्रभु जी, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ जगत में, मेरा मन में आ जाती हैं बातें, पर प्रभु जी दिल से हृदय से मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन सिर्फ आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप सच्चे लगे। इस मन ही मेरा मन जहाँ जहाँ भी जाए, हे भगवान भी कह रहे, हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए उसे वहाँ से हटा के फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा। जगत नहीं है, हे जगदीश, परमातत्व ही परमातत्व है। बार बार दिन में कई बार गुरु तो कह रहे हैं, हर 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उनका नाम लेते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंदर में चलता रहे उनका नाम। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत रही पारा। कलयुग नाम आधार है, उनका नाम हमें पार कर देगा, इस जगत से पार कर देगा। नाम स्मरण हर समय होता रहे, इतना नाम स्मरण कीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो फिर अपने आप चलने लगती है। जैसे आपने कोई गाना सुना हो और बहुत सुना हो, तो जब आप लेटते हैं तो गाना बजने लगता है अपने आप, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अब चेतन मन में चला गया। ऐसे ये नाम स्मरण आपके अब चेतन मन में चला जाए। भगवान से कहिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे नाथ, आपका नाम, आपका प्रेम, आपसे अपनापन मेरे अब चेतन मन में चला जाए, मुझे आप पक्का करा दीजिए कि आपका हर विधान मंगल में, आपने जितना दिया है, आपने जितना दिया है उतना तो मैं लायक भी नहीं। आपने बहुत दिया उतना तो मैं लायक भी नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ आंसुओं के और शुक्रानों के कुछ नहीं है।
आपने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से रखा है प्रभु। कितने लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। हे नाथ, कितने संत हैं उन्हें पता नहीं अगले टाइम की रोटी कहाँ से मिलेगी। भगवान, आपने तुम्हें कितने अच्छे से रखा, तो आपका नाम स्मरण, आपसे प्रेम हर समय होता रहे प्रभु। शुक्राना ही शुक्राना निकलता रहे। हे मेरे नाथ, दिल से, हृदय से आपके शुक्राने प्रभु जी। आपके लिए तड़प हो, आपके लिए व्याकुलता हो, ऐसा नहीं नहीं होती है, होती है बहुत थोड़ी देर, वो टिकती नहीं। क्यों नहीं टिकती? क्योंकि फिर हम संसार में लग जाते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं। तो हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि आपको भूलू नहीं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जो, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में प्रभु, सब आपकी कृपा है। हम सांस ले रहे हैं आपकी कृपा है, हम चल रहे हैं आपकी कृपा है। इधर से लगता है कि शौच आ जाती है, यूरिन आ जाती है। कितने शुक्राने। रात को नींद आ जाती है, कितने शुक्राने। हे नाथ, इस शरीर में 70,000 नाड़ियां हैं, 70,000, 600 से अधिक हड्डियां हैं, अनगिनत मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब चल रही है। किसकी कृपा है? एक दांत में दर्द हो जाए, एक नाड़ी में दर्द हो जाए, कभी कभी इधर से साइटिका पेन हो जाता है, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो प्रभु आप चला रहे हो, आप ले जा रहे हो, प्रभु आप करा रहे हो। हम तो भोजन कर लेते हैं, पचाते आप हो प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे गुरु भगवान बार बार कह रहे हैं, भगवान हम आप तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है, हम तो जीरो भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा करके हम सोचते हैं हमने बहुत किया, और आप तो पूरे संसार को चला के, आप सिर्फ हमसे प्रेम करते हो, हमारी तरफ देखते हो कि कब मेरी तरफ देखे। जैसे माँ बच्चे से कितना प्रेम करती है, ऐसी भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं तुम उससे प्रेम करके तो देख, संसार में प्रेम करते हैं तो पूरा रिटर्न कभी नहीं मिलता है, पर भगवान ने कहा मुझसे प्रेम करो तुम्हें कई गुना रिटर्न मिलेगा। भगवान ने गीता में कहा, यामा प्रपतन्ते तान सते भजामि, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। तो अगर हम अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण करेंगे, हम कहेंगे दिल से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, तो वो भी कहेंगे तू मेरा है। वो तो कह ही रहे हैं, हम नहीं अर्पण करते, हम उनसे अपनापन नहीं करते, हम उनसे प्रेम नहीं करते। हे मेरे नाथ, आप अपने से प्रेम करा लीजिए। मेरे में वो ताकत नहीं, मेरे में वो शक्ति नहीं, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। मुझे पता है आपने सिर्फ मुझे अपने लिए बनाया है, और ये संसार भी आपने मेरे लिए बनाया है।
आपने सब कुछ दिया है मुझे, बस आप अपने और लगा लो, अपने से प्रेम करा लो, अपने से अपनापन करा लो। एक पढ़ रहे थे भगवान की कृपा वाली किताब, तो उसमें ये था, उमा जिन राम स्वभाव जानी, तिन भजन करे और ना कुछ जाना। कि जिन्होंने राम के स्वभाव को जान लिया, वो भजन के सिवा और कुछ नहीं करते। भगवान कितने कितने उदार हैं, कौन है ऐसा, कौन है जो आपके लिए 24 घंटे तैयार है, कौन है जिससे आप रात दिन बात कर सकते हैं, कौन है जो हर समय आपके लिए अवेलेबल है, कोई है? एक बार एक राजा ने एक संत से कहा कि आप मेरे राज में चलिए, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो संत ने कहा, मेरी तीन बातें हैं, मैं खाऊंगा आप देखिएगा, मैं सोऊंगा आप जागिएगा, और आप सब समय मेरे साथ रहिएगा। बोले ये तो नहीं हो सकता। बोले मेरा जो यार है, मेरा जो प्रियतम है, मैं खाता हूँ वो बचाता है, मैं सोता हूँ वो जागता है, वो 24 घंटे मेरे साथ है, 24 घंटे, एक सेकंड भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व उन्हीं से है, हमारी हस्ती उन्हीं से है, उनके अलावा हम कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी का ढेर है। इस मिट्टी के ढेर में सांस उन्हीं की है, धड़कने उन्हीं की है, प्रेम उन्हीं का है, जो कुछ है, जो कुछ अगर इस में कुछ अच्छाई है वो सब प्रभु की है, और कुछ बुराई है वो सब हमारी है। प्रभु हमारे पास तो सिर्फ अहंकार और इच्छा ही है, और क्या है प्रभु? हे प्रभु, हे नाथ, वो इच्छा और अहंकार निकाल के अब सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम भर दो। जित देखो तित तो ही तो है, ऐसी निगाह बना दे कि हे प्रभु हर जगह तुझे पा, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं, जिनका रात दिन जब चलता रहता है, बहुत अच्छे अभ्यास में लगे हुए हैं, और हम सब कोशिश करें कि हमारा भी अभ्यास खूब हो, अंदर की लगन हो, अंदर की लगन, अंदर की लगन चाहिए। जो चीज हम दिल से चाहते हैं, एक इंग्लिश का कोट है, व्हेन यू हैव अ ड्रीम फॉर द होल यून, व्हेन यू हैव अ ड्रीम फॉर द सर्विस ऑफ ऑल, देन द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम।
जो हमारे अंदर सबके हित का भाव होता है, सबके लिए प्रेम का भाव होता है, तो पूरी प्रकृति हमारे साथ होती है। तो आप कहिए तो भगवान, मेरा आपसे प्रेम हो, मेरा सबके लिए प्रेम ही प्रेम हो, सेवा ही सेवा हो। सेवा का ज्यादा संकल्प मत करिए, सेवा आ जाए तो कर दीजिए। हाँ, सबके हित का भाव हो, जितना आपसे हो जाए उतना कर दीजिए। बाकी भगवान याद रहे, भगवान का स्मरण रहे, उनके लिए प्रेम रहे, उनके लिए भाव बना रहे, क्योंकि अंत में ये ही काम आने वाला। इसको बार बार विचार करा करिए कि अंत में क्या काम आए, अंत में क्या साथ जाए। अंत वेले तेनु सब छट जाए, तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। हमारा स्वभाव, भगवान का लिया हुआ नाम, वो ही हमारे साथ जाएगा प्रभु, और कुछ नहीं जाएगा। हे नाथ, जो नहीं जाने वाला है उसको मैं इतना टाइम और एनर्जी क्यों दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? मेरा एक पल भी वेस्ट ना हो, एक पल भी, एक क्षण भी आपकी याद के बिना ना जाए। हे प्रभु, मुझे समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। समय से ज़्यादा कीमती कोई वस्तु नहीं है। जब अंतिम समय आएगा तो हमें एक श्वास भी नहीं मिलेगी, और अभी हम कितनी श्वासें वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम कितनी श्वासें वेस्ट कर रहे हैं, कितना समय व्यर्थ जा रहा है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कब जागूंगा? कब वो समय आएगा कि हर क्षण हर पल आप याद रहे, हर जगह आपको ही देखो, आपसे ही प्रेम करो, सब रूप में आपके ही दर्शन हो, सारी प्रकृति आपका ही नजारा है, सब कुछ आप बन गए हो, ये पेड़, ये पहाड़, ये सुंदर नजारे, सब आप हो प्रभु, सब आप, कण कण में आप हो प्रभु। हे मेरे नाथ, आप इतने विराट और मैं इतना तुच्छ, मैं सिर्फ एक अहंकार ही अहंकार और कुछ नहीं, इच्छा और अहंकार, और मेरे पास क्या है? आप मुझसे सिर्फ प्रेम चाहते हो, आप मुझसे सिर्फ अपनापन चाहते हो। प्रभु आप करा लो ना, प्रभु मेरा आपसे अपनापन हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए, मेरी किसी में भी कभी भी एक क्षण के लिए भी दोष दृष्टि ना, मुझे सब आपके रूप नजर आए, सब मुझे सब प्यारे लगे, सब आपका रूप है। सब प्यारे लगे मतलब भगवान प्यारे लगे, उनमें जो अस्तित्व है, जो चेतन है, वो प्यारा लगे, जो उनकी लीला, जो उनके कर्म अच्छे नहीं लगते तो वहां से दृष्टि हटा दो। संसार में हमें अनकंडीशनल लव गुरु के अलावा और भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशंस ना हो। भगवान तो ऐसे प्रेमी है, वो हमारी कमियां देखते ही नहीं है, हमारी खामियां, हमारी कमियां,
हमारी गलतियां, वो सिर्फ हमारा प्रेम देखते हैं। अगर हम द्रौपदी को देखें तो उसने कहा था कि जब तक मैं अपने केश दुर्योधन के खून की छाती के खून से नहीं रंग दूंगी, तब तक मैं केश बांधूंगी नहीं। उसके अंदर बहुत क्रोध था और द्वेष था। और भीम ने भी यही कहा था, पर जब उसको भगवान को उसने पुकारा तो भगवान फौरन आ गए। भगवान सिर्फ हमारा प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम। दुनिया हमारी कमियां ज्यादा देखती है, प्रेम नहीं देखती, कोई नहीं देखता। जैसा प्रेम भगवान करते हैं वैसा कोई कर ही नहीं सकता। तो उस प्रेम को ठुकरा के गुरु, संत और गुरु ही हमसे वैसा प्रेम करते हैं जैसा भगवान करते हैं, क्योंकि गुरु हमें भगवान से जोड़ते हैं, अपनापन करते हैं। कहते हैं ये भी मेरा बच्चा जागे, ये भी भगवान से जुड़े, ये भी अपना जन्म सफल करे। हमें लगता है ना कि बच्चे हमारे, जो भी घर में बच्चे मिले हैं वो सब सेटल हो जाएं, खुश रहें। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए। जन्मों जन्मों से जीव भटक रहा है, इसे मनुष्य चोला मिला है, वो चोले की तो कदर करे। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य चोला मिला है और हम इसकी कदर नहीं कर रहे। मनुष्य चोले की कितनी कितनी कीमत है। और ये हमारा जो मनुष्य चोला खाने पीने भोगने में, हे नाथ, घर सजाने में, शरीर सजाने में। देखिए सब कुछ शरीर के लिए होता है, सुबह उठना, व्यायाम, खाना पीना, नहाना धोना, सब शरीर के लिए। हालांकि गुरु कह रहे हैं कि हर क्रिया भगवान को अर्पण कर दो, सुबह से रात तक जो भी क्रिया करते हो सब भगवान को अर्पण कर दो तो सब पूजा हो जाएगी। पर आप देखिए ना कि सब कुछ शरीर के लिए, सब कुछ संसार के लिए, भगवान को हम कितना समय देते हैं। जो हमें सब कुछ दे रहे हैं हम उन्हें क्या दे रहे हैं? वो हमसे प्रेम ही तो चाहते हैं। और हम जो कुछ उन्हें अर्पण करेंगे, पुष्प अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, प्रसाद लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ उन्हीं का तो है, प्रभु उन्हीं का तो है, हम उन्हें क्या दे सकते? वो तो हमें दे ही दे रहे हैं, दे ही दे रहे हैं, हर श्वास, हर दिल की धड़कन, प्रेम, सब कुछ उनका है, सब कुछ। तो ऐसे याद करके उनको याद करें, उनका शुक्राना माने, गुरु को करोड़ों करोड़ों नमन है जिन्होंने हमारा संबंध भगवान से जोड़ दिया, अपनापन भगवान से करा दिया। और यही उन पुकार करें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हर क्षण आप याद रहें, आप में ये जीवन जाए और ये मनुष्य चोला बेकार ना जाए। गुरु मिले, सत्संग मिला, गीता मिली, भागवत मिली, फिर भी हमने अपना काम नहीं किया तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं। हे नाथ, मेरा ये मनुष्य चोला सफल कर दो, मुझे हर पल आप याद रहो और जीवन के अंत में आप याद रहो। हे नाथ, बस मेरे यही दिल से पुकार है।
आपके जीवन के अंत में आप याद रहो, आप याद रहो, आप याद रहो। हे नाथ, हे नाथ।